गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का साइकोलॉजी का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, मीटिंग लाइफ चैलेंज, जिसमें हम स्ट्रेस पढ़ रहे हैं. और इससे पहले हमने साइन ऑफ स्ट्रेस पढ़े हैं. ठीक है, तो अब हमें पढ़ना है स्ट्रेसर्स क्या होते हैं, रिसोर्सेज क्या होते हैं, पर्सनल की कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि ये सारी चीज़ें जो है वो इफ़ेक्ट डालती हैं. स्ट्रेसर्स यानी कि तो कॉजेज क्या हो सकते हैं, एनवायरमेंटल, साइकोलॉजिकल, सोशल कॉजेज हो सकते हैं. ठीक है, रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, जैसे कि हम उसे कैसे कम कर सकते हैं, क्या फिजिकल, मनी, मेडिकल केयर के थ्रू, पर्सनल है तो स्किल्स एंड कोपिंग के थ्रू, सोशल है तो सोशल सपोर्ट्स के थ्रू. फिर पर्सनल की कैरेक्टरिस्टिक्स भी इफ़ेक्ट होती है, कि कुछ पर्सन्स होते हैं वो स्ट्रेस जल्दी ले लेते हैं, ये भी इफ़ेक्ट डालती हैं. ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल होते हैं इसमें, साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल. देन हमारा स्ट्रेस अप्रेजल. अप्रेजल यानी कि रेस्पॉन्स हमारा कैसे करते हैं हम, फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज, बिहेवियरल रेस्पॉन्सेज, इमोशनल रेस्पॉन्सेज एंड कॉग्निटिव रेस्पॉन्सेज. कॉग्निटिव रेस्पॉन्सेज यानी कि हम के मेमोरी के बेस पे, हमारी मेमोरी में कुछ पुअर कंसंट्रेशंस हो जाना, या इन सब के बेसिस पर हम रेस्पॉन्स करते हैं. नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग एंड हेल्थ. स्ट्रेस का जो है साइकोलॉजिकल फंक्शनल हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है. सबसे पहले हमारी बॉडी, अगर हम स्ट्रेस होता है तो हमें हेडेक होने लगता है, इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं, मसल्स में टाइटनेस आने लगती है, स्किन रैशेज होते हैं. माइंड में क्या इफेक्ट पड़ता है, आपका वरी हो जाती है, जल्दी जल्दी चिंता हो जाने लगती है, थिंकिंग जो है वो शॉर्ट हो जाती है, जजमेंट गलत होने लगता है, आपको सपने भी उसी, नाइटमेयर्स भी उस चीज़ को लेके, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ जाती है, डिसीजन जो है वो गलत होने लगते हैं आप. ठीक है, इमोशंस में क्या आता है, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है, मोरफिजी, इरिटेट हो जाते हो, डिप्रेस हो जाते हो, एपैथी हो जाती है, यानी कि बिल्कुल आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है. ठीक है, बिहेवियर में क्या दिखाई देता है आपके, जब आप परेशान रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे तो एक्सीडेंट बार बार होने के चांसेस रहेंगे, लॉस ऑफ एप्रिशिएट रहेगा रोज, जो आपकी डेली ड्राइव से उनको ड्रिंकिंग, आपको लगेगा कि आपको पानी बहुत ज़्यादा, रेस्टलेस, स्मोकिंग बहुत करने लगेंगे. तो ये सारे कुछ चेंजेस हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं जो हमारे हेल्थ पर इफ़ेक्ट डालते हैं, यानी हमारे हेल्थ पर, हमारे बॉडी के फंक्शंस पर इफ़ेक्ट डालते हैं. इमोशनल इफेक्ट, दोज सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस एक्सपीरियंस मूड स्विंग. ठीक है, मूड हमारा चेंजेस हो जाता है, शो डिक्रीजिंग कॉन्फिडेंस, हम कॉन्फिडेंस जो है वो हमारा डिक्रीज हो जाता है, सफर फ्रॉम फीलिंग, चिंता से रहते हैं, डिप्रेशन इंक्रीज, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है, यानी कि बहुत सारे जो इमोशनल इफेक्ट्स जो हैं ड्यूरिंग द स्ट्रेस हमारे दिखाई देने लगते हैं. साइकोलॉजिक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हम इस तरह से समझ सकते हैं कि फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हमारा, अंडर स्ट्रेस देयर इज एन इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन सच एज एड्रेनल एंड कोलेस्ट्रॉल. ठीक है, हम सब ने जो है 11th क्लास में पढ़ा था कि हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस में ANS है, ANS जो है एक तरह का हार्मोन्स रिलीज करता है. ठीक है, सेम ऐसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है, जिसे हम कोर्टिसोल बोलते हैं, जो कि एनर्जी करता है. एड्रेनल जो है वो हमारे फाइट करने का रिलीज करता है. ठीक है, चेंज सच एज रिलीज ऑफ इंडोर्फिन्स और नॉन इंडोर्फिन्स, स्लोइंग डाउन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सपेंशन ऑफ एयर प्रेसेस इन द लंग्स एंड कंसंट्रेट ऑफ ब्लड वेसल आल्सो अकर्स. तो इन सब का इफेक्ट पड़ता है. ठीक है, जब ये जो हमारे अंदर से ये हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं तो ये हमें फ्लाइट और फाइट मोड पर आते हैं, यानी हमारा बिहेवियर जो है इनके बेसिस पर रेस्पॉन्ड करता है. ठीक है, ओके. तो फिर कॉग्निटिव इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस आर पुअर कंसंट्रेशन, यानी कि जो है हम कोई डिसीजन जो है वो प्रॉपर नहीं ले पाते, हम बार बार काम में फेल हो जाते हैं, हमारी मेमोरी जो है वो वीक हो जाती है. बिहेवियरल भी इफेक्ट क्या पड़ता है, कुछ लोग कम खाते हैं, कुछ ज़्यादा खाने लगते हैं, कैफीन का इंटेक ज़्यादा करने लगते हैं, चाय ज़्यादा पीना हुआ आपका, कॉफ़ी ज़्यादा पीनी है, स्लीपनेस हो जाती है, वर्क से अपने अपसेंट रहने लगते हैं, उनका जो वर्क परफॉर्मेंस वो कम हो जाता है. ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे जर्नल एडेप्टेशन सिंड्रोम्स, जिसे हम JAS बोलते हैं. ठीक है, ये थ्योरी जो है हमारी शैले ने दी थी, इन्होंने जो है बॉडी के रेस्पॉन्सेज पर इस थ्योरी को दिया था. अकॉर्डिंग टू हिम JAS इन्वॉल्व 3 स्टेजेस.
ठीक है, इसमें हमारी थ्री स्टेजेस इन्वॉल्व रहती है, अलार्म रिएक्शन जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है, रेजिस्टेंस एंड एग्जॉशन। अलार्म रिएक्शन होता है कि जब हम स्ट्रेस वाली कंडीशन होता है तो हमारी बॉडी एक अलार्म देती है कि या तो आप फाइट करो या फ्लाइट करो, इस तरह की। दिस प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेसर्स लीड टू एक्टिवेशन ऑफ एड्रेनल पिट्यूटरी कॉर्टेक्स सिस्टम, दिस ट्रिगर द रिलीज ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूसिंग द स्ट्रेस रिस्पॉन्स। ठीक है, हमारी बॉडी जो है हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है स्ट्रेस के बेसिस पर। नाउ द इंडिविजुअल टू रेडी फ्लाइट और फाइट। ठीक है, जब हम किसी स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी बॉडी जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन्स रिलीज करती है और फिर हमारी बॉडी फ्लाइट के फाइट के मोड में या तो विड्रॉ कर जाएगी या उसमें कंफर्ट मैच यानी उसे करेगी आगे। सेकंड स्टेज आती है हमारी रेजिस्टेंस स्टेज। इफ़ स्ट्रेस इज प्रॉपर इन दिस स्टेज, ठीक है, द पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम सेल्स फॉर मोर कंट्रोल्स एस ऑफ बॉडी रिसोर्स इन विच द ऑर्गेनिज्म मेक एफर्ट टू कोप विद द ट्रेट। इसमें क्या होगा कि हमारी बॉडी जो है थ्रू कन्फर्मेशंस इस स्टेज से बचने की कोशिश करेगी काम। ठीक है, नेक्स्ट एग्जॉशन स्टेज। कंटिन्यू एक्सपोजर ऑफ द सेम स्ट्रेस और एडिशनल स्ट्रेस ड्रेन द बॉडी ऑफ इट्स रिसोर्सेज लीड टू टल। जब अगर हमारा स्ट्रेस कंटिन्यू चलता रहेगा तो हम किस स्टेज पर आ जाएंगे, थर्ड एग्जॉशन स्टेज पर। दस फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स सिस्टम इन्वॉल्व इन अलार्म रिएक्शन, ये हमारी एक अलार्म रिएक्शन स्टेज से यहाँ पाए, रेजिस्टेंस बिकम इनफेक्टिव एंड दिस स्टेज रिसीव, यानी कि यहाँ पे हमें प्रॉब्लम होने की, ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस रिलेटेड डिसीज, बहुत सारी डिसीज जो हैं वो होने स्टार्ट हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेस एंड इम्यून सिस्टम। ये कैप का इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि स्ट्रेस का आपका इम्यून सिस्टम से क्या रिलेशन है। तो रिलीज ऑफ स्ट्रेस हार्मोन्स रिजल्ट इन वीकिंग ऑफ आवर इम्यून। जैसे हार्मोन्स हमारी बॉडी से स्ट्रेस के टाइम रिलीज होते हैं तो वो हमारे किसको वीक करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारी सोचने की शक्ति को, हमारी फिजिकल हेल्थ दोनों को ही वीक कर सकते हैं और इसकी वजह से सीरियस डिसीज भी हो सकती है, पर्सन की हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। सेकंड, स्ट्रेस कैन इफेक्ट नेचुरल किलर साइटोसिन विच इज़ मेजर इंपॉर्टेंट इन द डिफेंस अगेंस्ट वेरियस इन्फेक्शन। स्ट्रेस के टाइम जो है ये एक स्ट्रेस जो एक नेचुरल किलर होता है, एक ऐसे हमारे बॉडी के चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर जाता है जो इन्फेक्शन और कैंसर के अगेंस्ट लड़ने में हमें रोल, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Reduce the level of natural killer cell cytotoxicity have been found in people who were highly stressed, including student facing important exam, behavior, persons and those are severely depressed. Individual may have panic attack or show obsessive behavior mood swing. जब जो बहुत ज़्यादा person stress में होता है उस पर panic attack होता है, यानी कि बार बार परेशान होता है, उसका mood swing होने लगता है, कोई behavior बार बार करने लगता है, कई बार वो भूल भी जाता है। These individuals have feelings of hopelessness, which is worse by injury or जब person hopeless में होता है, hopeless हो जाता है और उस वजह से उसे कोई disease या injuries भी हो सकती है। Okay? Next है what stress does to your body? ठीक है, स्ट्रेस जो है आपके बॉडी पर क्या इफेक्ट करता है, हेड में इश्यूज़ वर्ड मूड आपके दिमाग में मूड से एंगर डिप्रेशन ये बहुत, हेडेक पेन, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ से लाइक एनजाइटी ये सारे होते हैं, स्किन में स्किन रैशेस एनेक हो सकते हैं, मसल्स में आपका पेन हो सकता है, टेंशंस, हार्ट में बीपी लो डाउन, हार्ट बीट, कोलेस्ट्रॉल ये सारे, स्टमक क्रम्प करने लगता है कुछ ना जिसे बोलते हैं, वेट फ्लक्चुएशन करने लगता है आपका, पेंक्रियास डायबिटीज़ हो सकती है, इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो सकते हैं आपको, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, फिर इम्यून सिस्टम रिड्यूस एबिलिटी टू बैटल, यानी कि इम्यून जब स्ट्रेस में होगे तो आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा और आप बीमारी से नहीं लड़ पाएंगे।